आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और कब हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। एक एक्सपेरिमेंट करके मैं ये बात आपको दिखाऊंगा और फिर समझाऊंगा उसके पीछे की फिजिक्स। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट हमारे घर में आने वाली एक लो वोल्टेज के साथ किया जा रहा है। हायर वोल्टेजेस पर सिनेरियो चेंज कर जाएंगे। आप देखिए, मेरे पास ये दो लाइव वायर्स हैं। इन दोनों लाइव वायर्स को अगर मैं अकेला अकेला अपने हाथ से इस तरह से छू लूं तो देखिए मुझे कोई करंट नहीं लगता। अब आप ये कहेंगे कि अगर ये दोनों वायर्स आपस में छू रही होती तब आप इसे छू करके दिखाइए। तो देखिए बेटा, इस समय दूसरे को छू रही है और अब भी अगर मैं इन्हें आपस में इस तरह से पकड़ लूं तो देखिए मुझे कोई करंट नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब इन दोनों वायर्स को मैंने अलग अलग अपने हाथों से छुआ था तो मेरी पूरी बॉडी का पोटेंशियल वही हो गया था जो उस पर्टिकुलर वायर का था, और इन्हें ज्वाइन करने के बाद अब जब मैं इन्हें छू रहा हूँ तब मेरी बॉडी का वही पोटेंशियल है जो इस नोड का, इस गांठ का पोटेंशियल है, और करंट बहता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल की वजह से नहीं।